आओ पहला गुरु गोविंद सिंह जी की बख्शी हुई फतेह की सान सांझी करिए बोलो जी। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम जैसमिन कौर है, मैं सतवीं जमात विच पढ़ती हाँ। मैं तुहाडे सामने एक साखी पेश करती हाँ जिसका विषय है साखा सरहंद। प्यारे बच्चों, जिमें कि तुसी जानदे हो सिख धर्म श्री गुरु नानक देव जी ने चलाया। श्री गुरु नानक देव जी सिखां दे पहले गुरु सन। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिखां दे दसवें गुरु सन। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चार पुत्र सन। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रां नूं चार साहिबजादे भी कहा जाता है, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहिबजादे सन ते बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे सन। दिल्ली का मुगल राजा ते पहाड़ी राजे गुरु जी नाल वैर करते सन। गुरु जी तो निर्वैर सन, गुरु जी आनंदपुर विखे रहिंदे सन। वैरी राजिया ने गुरु जी नूं घेरा पा लिया ते बहुत समय बाद वैरी राजिया ने उन्हां नूं आनंदपुर साहिब तो किते होर जाके रहन लई कहा। एक रात गुरु जी अपने परिवार ते कुछ सौ सिंघां समेत आनंदपुर साहिब नूं हमेशा लई छड्ड दिता। सर्दी दी रुत्त सी, ठंडी हवा चल रही सी, आकाश विच बदल सन, बिजली चमक रही सी। गुरु जी ते सिंह घोड़ियां ते चढ़ के बाहर आ गए ते बैरी राजा ने गुरु जी ते हमला कर दिता। जंग शुरू हो गई, बहुत बैरी मारे गए, कुछ सिंह भी शहीद हो गए। गुरु जी का परिवार सरसा नदी के किनारे ते पहुँच गया। सरसा नदी के किनारे पानी बहुत जोर नाल वग रहा सी। सरसा नदी नूं पार करन समय गुरु जी का परिवार विछड़ गया। गुरु जी ते कुछ सिंह ते वड्डे साहिबजादे एक पासे चले गए ते माता गुजरी जी ते छोटे साहिबजादे नाल एक जंगल तो लंघ रहे सी। रास्ते विच उन्हां नूं गंगू मिल गया जो 22 साल पहला उन्हां दा सोया सी। ओह माता जी ते छोटे साहिबजादियां नूं अपने पिंड खेड़ी लै गया। मन विच उसदे बहुत लालच आया ते उसने रात समय माता गुजरी जी दियां कुछ पैसे मोगरा चोरी कर लिया। माता गुजरी जी के पुछन ते गंगू ने रौला पा दिता ते थानेदार नू खबर कर दिती के तीन ते के माता गुजरी जी ते छोटे साहबजादे मेरे कोल हन। तां थानेदार ने उन्हां नू तिन्हां नू फड़ के मोहरत दी कुतावली विच कैद कर दिता गया। फिर माता गुजरी जी ते छोटे साहबजादियां नू सरहंद लिया गया। सरहंद लिया के उन्हां नू ठंडे बुरज विच कैद करा दिता गया। ठंडे बुरज विच ठंड बहुत सी ते फिर उन्हां नू मोती राम तिन्हां नू पीण लई दुध लै आउंदा सी। माता गुजरी जी ने अपने पोतरियां नू धर्म तो ना डोलन दी सिक्ख्या दित्ती। तीन दिनों तक छोटे साहबजादियों को कचहरे विच पेश किया गया ते बहुत लालच दिते गए मुसलमान कबूल करन ते। पर उन्होंने मुसलमान कबूल ना करी क्योंकि उन्होंने सिक्खी बहुत प्यारी सी। सिक्खी ने उन्होंने सिक्खी ना छड़ी। भाई जोरावर सिंह ते भाई फतेह सिंह की उम्र 9 से 7 साल दी सी। उन्होंने छोटी उम्र विच ही नियां विच चनवा दिता गया। वह वाहिगुरु दे जाप विच अडोल सन ते उन्होंने जदों मोढ़ियां तक कंध आ गए तो उन्होंने समाने दे जलादा ने उन्होंने शीश कट दिते ते फिर उन्होंने जिथे उन्होंने शहीद उन्हां दा संस्कार किया गया उत्थे ज्योति स्वरूप है। तो माता गुजरी जी ने अपने अपना शरीर त्याग दिता। जिथे माता गुजरी जी ने शरीर त्यागया उत्थे ठंडा बुरज है। तो जिथे तिन्हां दा संस्कार किया गया उत्थे गुरद्वारा श्री ज्योति स्वरूप है। जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे पुत्रां दा संस्कार किया गया उत्थे गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे भेजे एक सिख जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 8 साल बाद पापी मुसलमानों नूं मार के गुरु गोबिंद सिंह जी दे वड्डे ते छोटे साहिबजादियां दी शहीदी दा बदला लिया।
इस साखी तो सानू सिक्ख्या मिलती है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने धर्म के खातिर अपना सारा सरबंस कुरबान कर दिता। तो माता जी ने अपने छोटे पोत्रां नू धर्म तो ना डोलन की सिक्ख्या दी। इस करके असी भी सर्व का भला मंगिए, किसी का बुरा ना कहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद।